नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इसराइल जॉब करने जाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, कैसे अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, ऑफलाइन कहां पर इंटरव्यू चल रहा है और वहां पर आप कैसे ज्वाइन होंगे, सारी डिटेल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप किस तरीके से इसराइल जॉब करने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की कौन कौन सी कैटेगरी है। जॉब की अगर कैटेगरी की बात करें, पहला जो है आपका मैशन में है। मैशन मतलब कि बोलते हैं लोग इसको, जो घर के जुड़ैया कराते हैं, लोग घर जोड़ते हैं, उनका जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़रूरत है और अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में ही लोगों को ले रहे हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए। दूसरा, टाइल्स वर्कर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। टाइल्स वर्कर जो टाइल्स जिनको लगाना आता है, आपको पता लड़ाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ इसराइल में और डेफिनेटली भाई आप पैलेस्टीन में भी बहुत ज़्यादा वहाँ भी हुआ है, लेकिन आपको पता पैलेस्टीन के जितने वर्कर थे इसराइल में सबको इसराइल ने निकाल दिया, इसलिए वहाँ पर वर्कर लोगों की बहुत ही ज़्यादा हो गई है कंस्ट्रक्शन लाइन में। और तीसरा जो है प्लास्टर, जो लोग घर का प्लास्टर करते हैं ना, जैसे ये घर है बना हुआ नया, अब उसके ऊपर प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टर वर्कर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये तीन टाइप के, जो तीनों वर्कर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और एक और कोई कैटेगरी है मुझे याद नहीं बस आ रहा है, तो ये भी चार कैटेगरी शायद है, तीन कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जब आपको ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये चीज़ मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा। गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट लॉन्च की, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके नियर बाई में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके स्टेट में या फिर आपके बाजू वाले स्टेट में जहाँ भी हो रहा होगा ऑफलाइन इंटरव्यू, तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर उससे रिलेटेड आपको अपडेट नहीं मिलता है तो आप YouTube पर वीडियो देखते रहिएगा, हम लोग भी अपडेट करते रहेंगे कहां कहां पर इंटरव्यू चल रहा है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है आप लोगों की नॉर्मल रहेगी 1,27,000 के आसपास, आपको मिनिमम जो सैलरी है सबका रहेगा, प्लस 15,000 बोनस रहेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख तक आपकी जो है सैलरी मिलेगी मंथली की, प्लस इंश्योरेंस जो होगा वो अलग से, इंश्योरेंस मतलब कि आपका कराया जाएगा। और अगर आपको कुछ होता है इसराइल में, आपको पता है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है, तो अगर देखो भाई जब मिसाइल छूटती है, कहीं से गोलीबारी होती है, तो वहां पर ये नहीं देखते हैं लोग कि ये इसराइल का बंदा है या फिर ये भारत का है, तो ये जितने लोग भी जा रहे हैं अपने रिस्क पे जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी भाई गारंटी थोड़ी लेगी यार, नहीं लेगी। अगर आपको पैसे कमाना, इतनी ज़्यादा वेतन मिल रही है, तो ये आप अपने रिस्क पर जाएंगे। और यहाँ पर जो सैलरी की बात है भाई, सैलरी सबको 1.5 लाख के आसपास मिलने वाली है, तो सैलरी भी बहुत ही हाई फाई मिल रहा है। अब बात करते हैं इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, तो वो मैं बताऊँगा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें, ये जो तीनों मैंने बताया था, इसमें जॉब करने के लिए आपको ऑफलाइन इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। ऑफलाइन इंटरव्यू में अगर आप प्लास्टर करना आपको आता है, तो आपको दे दिया जाएगा भाई देखो प्लास्टर आपको करना है, और वहाँ पर लाइव जो इसराइल से 15 लोगों की टीम आई है, वो खुद उनके सामने आपको प्लास्टर करना होगा। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद वो आपको बोलेंगे कि हम शाम तक अपडेट करेंगे, अगले दिन तक आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं। प्लास्टरिंग सेकंड, टाइल्स में अगर आपको टाइल्स लगाना आता है, तो वहां पर उन्हें लगा के दिखाना होगा कि हाँ आपको लगाना आता है प्लास्टरिंग टाइल्स। और एक वेल्डिंग में भी है, जी मैं बोल रहा था ना, बोल रहा हूँ वेल्डिंग वालों की भी जरूरत है कंस्ट्रक्शन लाइन में ही, वेल्डिंग जिनको करना आता है उनकी भी आवश्यकता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो जो भी यही लाइव वहाँ पर आपसे करा के देखा जाएगा, ठीक है। घर की जुड़ैया जो लोग करते हैं मैशन का काम, उनकी भी ज़रूरत है, और ये वहाँ पर आपसे लाइव प्रैक्टिकल किया जाएगा, लाइव प्रैक्टिकल लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये इन सब में कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो आपकी जॉब वहाँ लगेगी, अदरवाइज आपकी जॉब नहीं लगेगी। इंटरव्यू की बात करें तो पहला चरण आई थिंक राजस्थान में हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे 4,000-6,000 लोगों का आई थिंक सिलेक्शन हो गया था। दूसरा चरण देखा जाए तो यूपी में हो रहा है, यूपी में लखनऊ में एक आईटीआई कॉलेज है, वहां पर अभी इंटरव्यू चल रहा है, अभी चल रहा है, कब तक चलेगा कुछ बता नहीं सकते आपको, ठीक है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, वहां जाने के बाद डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो आप एक सेवा है जिसका मैंने नाम लिखा है, मैं आपको बता देता हूं कहां पर आपको जाना होगा, श्रम विभाग ऑफिस। अगर आप पता कर लेना आपके नियर बाय आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर श्रम विभाग ऑफिस होगी, आप वहाँ पर डायरेक्ट चले जाना, और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो एक्चुअल लोकेशन पता चल जाएगा कि इसराइल के लिए जो वर्कर को हायर कर रहे हैं लोग, वो कहाँ पर ऑफलाइन इंटरव्यू हो रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करते हो तो आप जो है मैंने जो ऑफिस बताया वहाँ वो पता कर लो, और वहाँ जाकर पता करो जो ऑफिस बताया श्रम विभाग ऑफिस, वहाँ पर जाओ, वहाँ बोलो भाई इसराइल का कहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, वो आपको बताएंगे, और वहाँ पर जाओ, ऑफलाइन ही आपका इंटरव्यू भी होगा, सब कुछ वहाँ से लेंगे, सिलेक्शन होगा तो वहाँ पर ही आपका हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वीज़ा प्रोसेस हो जा रहा है, 2 से 3 महीना मैक्स टू मैक्स 1 से 3 महीने का टाइम है, इसके अंदर आपको जो है भेज दिया जाएगा इसराइल। सैलरी मैंने आपको बता दिया 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, 15,000 के आसपास बोनस रहेगा, 1,27,000 नॉर्मल सैलरी रहेगी, 30,000 पकड़ लो, और
45 तक, मतलब 1.40 1.50 के बीच में आपकी महीने की सैलरी रहेगी, जो कि एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। अब किस तरीके से आप इन सारे जॉब को अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। इसका नाम है nsdcjobx.com। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना और लोकेशन में आपको सर्च करना है ISRAEL। कुछ यूट्यूबर है जो ये बता नहीं रहे और डायरेक्ट नीचे दिखा रहे, बोल रहे इसराइल का तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे डायरेक्ट नीचे जाके और यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर जो दिखेगा ना, ये मलेशिया का है, ये मलेशिया का है, जर्मनी का है, UAE का है, तो ये अलग अलग कंट्री का, ऐसे दिखा रहे हैं। भाई यहाँ पर आप पहले कंट्री तो सेलेक्ट करो, इसराइल सेलेक्ट करो, फिर सर्च मारो। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखा देगा कौन कौन सी जॉब का चल रहा है। देखो इसराइल में कितने लोगों को ले रहे हैं लोग, मैंने जो काम बताया था, प्लास्टरिंग का, सर्वाइक टाइल्स वर्कर की, आयरन बेल्डिंग की, फ्रेम वर्क की, ये लोगों की आवश्यकता है। और यहाँ पर सिंपली आपको जाना है और व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कोई भी प्लास्टरिंग बजाना है तो व्यू के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद अप्लाई बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और जहाँ पर भी ऑफलाइन इंटरव्यू चल रहा होगा वहाँ से आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि फिर आपको ऑफलाइन वहाँ जाना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालो, अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना पूरा नाम डालो, स्टेट डालो, कौन से स्टेट से, जिला अपना डालो, अपना एजुकेशन डालो कि पढ़े लिखे हो या फिर नहीं पढ़े लिखे हो। अगर बिलो 10th 10वीं से कम पढ़े लिखे हो, 8वीं 5वीं तो भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और स्पेशलाइजेशन डालो, PWD ES या नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से अपना रिज्यूम अपलोड करो, चूज फाइल, रिज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट सबमिट कर दो। यहाँ से ये चीज करने के बाद क्या एक बेनिफिट आपको होगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब ऑफलाइन और कहीं भी इंटरव्यू होगा तो इससे रिलेटेड आपको अपडेट दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, या तो आप पता कर लो कि श्रम विभाग ऑफिस कहाँ पर है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो पता कर लो और वहां पर ऑफलाइन जाकर पूछ लो कि इसराइल का कहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, तो जाओ जॉब करो, अच्छा खासा पैसे कमाओ। सभी लोग कमा सकते हैं लाखों में, हम लोग हमेशा जॉब में बात करते रहते हैं कि लाखों में कमा सकते हो, तो बात सही है भाई। अगर इंडिया के बाहर जाते हो तो लाखों में सैलरी ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है जाना, इंडिया में ही कमाओ। लोग दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, कोई मतलब नहीं है भाई 50-60-70 हज़ार के लिए, इंडिया में भी कमा सकते हो। अगर लाखों की बात हो तो रिस्क ले सकते हो, जा सकते हो काम करने के लिए। तो जो लोग जा रहे हैं वो एक तरीके से देखो तो रिस्क लेके ही जा रहे हैं, अपने रिस्क पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों को अप्लाई करना है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि जिन्हें जाना है इसराइल जॉब करने के लिए वो जा सके और वो भी, उनको भी इस चीज़ के बारे में अपडेट मिल सके। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए अपडेट के साथ।